अभी इसे मेरा प्यार समझो या मजबूरी, आई कांट लिव विदाउट यू। मुझे भी आप जैसे पेशेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें ना अपनी हेल्थ की परवाह है ना अपने डॉक्टर की एडवाइस की। आई डोंट वांट सच पेशेंट्स, नहीं चाहिए मुझे ये सब। तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक था, इसलिए तुम आप ही ने जिद की थी कि मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊं। मेरी जिंदगी है, सो प्लीज ट्राई नॉट टू इंटरफियर एंड नॉट कंट्रोल माई लाइफ। I am sorry. मैं शायद अपनी लिमिट भूल गया। आफ्टर ऑल मैं इस अस्पताल में एक डॉक्टर हूं, काम करता हूं। बस आई एम सॉरी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सिमरन को अचानक ये क्या हो गया? पता नहीं पापा, मैंने कभी किसी से भी भाभी को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना, और आज मुझे इतना सब कुछ कह दिया। मेरी क्या गलती थी पापा? पापा जी, मुझे तो इस बात की हैरत पापा मुझे हैरानी इस बात की है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, भाभी के फादर हमसे नाराज थे, भाभी को हमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। पता नहीं अचानक उनको क्या हो गया। मैं तो रिएक्ट ही नहीं कर पाई, मुझे लगा गलत सुना, फिर दुख हुआ, गुस्सा आया। रास्ते भर सोचती रही तो यही लगा कि पापा कोई बात है, वो भाभी छुपा रही है हमसे। और पापा जी, आनंदी ने भाभी के लिए मां से कितना झगड़ा किया है, मुझसे बहस की है, अभी को नाराज किया है, और भाभी ये सब जानती है, फिर अचानक ये सब वो कैसे कह गई? अरे दरअसल आनंदी अपना ध्यान रखती है ना, जो कुछ डॉक्टर ने कहा वही सब कर रही है ना। हाँ मम्मी। हाँ रखना तो पड़ेगा ही, खैर ऐसे कोई डरने की बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। और तुम कैसे हो? प्रमोशन के बाद तो तुम्हारा वर्कलोड और बढ़ गया होगा। हाँ वर्कलोड तो काफी है, लेकिन आनंदी के लिए वक्त निकाल ही लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे पास होती तो मैं ही देखभाल कर लेती, लेकिन मम्मी सब ठीक है ना, कहा ना मैंने। अरे मैं तेरे लिए जूस बनाना तो भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। अच्छा हुआ कुछ सुना नहीं, वरना फिर से शुरू हो जाती। मैं तो सिमरन को पहले से समझ गई थी, सिमरन ऐसी है, सिमरन। पर पापा, इस वक्त तो हम भी उनकी बात को गलत नहीं कह पाते। क्या हो गया भाभी को, क्यों? अरे मैं तो सिमरन को पहले ही अच्छी तरह समझ गई, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अभी के सिर पर प्यार का भूत सवार था, और ये बाप बेटी उसकी देखा देखी सिमरन के गुण गा रहे। लेकिन सच्चाई न कभी छुपी है न छुपेगी, अब सिमरन की सच्चाई भी सबके सामने आ रही है। मैं तो कहके कि बुरी बन गई, लेकिन आनंदी को भी अब पता चल गया है कि उसकी सिमरन भाभी वैसी नहीं है जैसा वे उन्हें समझती थी। तो फिर आपने क्या कहा? अरे मैं पागल हूं जो कुछ कहती? मैंने उन्हें जताया ही नहीं कि मैंने कुछ सुना है, उन लोगों ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। किरण, कभी कभी जानकर अनजान बने रहने में ही फायदा होता है, इससे हमें और बातें पता चलेंगी। लेकिन बहुत मुश्किल है जानकर अनजान बने रहना। लेकिन आंटी इससे होगा क्या? अरे वही जो हम चाहते हैं, देखना पूरी कलई खुलते ही आनंदी, उसके पापा और विवेक सब सिमरन के खिलाफ हो जाएंगे, तब उन्हें किरण और सिमरन में फर्क दिखाई देगा, तब वो तुम्हारी कद्र करेंगे।
वैसे किरण, कभी कभी मुझे भी सिमरन की समझदारी से बड़ी घबराहट होती थी, लेकिन अब लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत कितनी सच है। सर दबा दूं? नहीं। अभी मिरेकल टेक्सटाइल्स के कैलेंडर के शूट के लिए जितनी तैयारियां मेरी तरफ से होनी थी वो सब हो चुकी है। कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी आई थिंक सबसे डिफिकल्ट यही था, बट आई एम हैप्पी कि एड वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर से बात हो चुकी है। गुड। बस सिर्फ गुड। हाँ तो ये तुम्हें तो करना था। मुझे ही करना था, और जब मुझे ही करना था तो काम तो होना ही था, इनफैक्ट अच्छा होना था। I like your confidence. कॉन्फिडेंस के बगैर तो कुछ नहीं होता अभी। जब किसी चीज को पाने की तमन्ना है तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि पाना है तो बस पाना है। और जबकि हमें हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला है तो मैं नहीं चाहती कि छोटी से छोटी कसर भी बाकी रह जाए। एवरी डिटेल शुड बी परफेक्ट। अभी कुछ कहूं तुमसे नाराज तो नहीं होगे? ऐसी क्या बात है? नहीं, वो कुछ सुना था मैंने, तब से आई एम क्वाइट अपसेट। क्या? इट्स अबाउट सिमरन। वो बहुत बदल गई अभी। आई मीन उसका बिहेवियर, पेशेंट्स और स्टाफ के साथ रूडली बात करना, चिल्लाना, नाराज होना, ये सब तो सुना था मैंने, लेकिन रिसेंटली उसने आनंदी के साथ मिसबिहेव किया। आनंदी दी के साथ मिसबिहेव किया सिमरन ने? हैरानी तो इसी बात की है अभी कि दूसरों के साथ तो ठीक है, पर हाउ कुड शी मिसबिहेव विद आनंदी? समथिंग इज रॉन्ग विद हर। वक्त के साथ लोगों को बदलते सुना था, ऐसे बदलते पहली बार देखा। आनंदी को कितना बुरा लगा होगा ना, जिस औरत के लिए वो अपनी माँ से, अपने भाई से लड़ती रही, उसी ने। भरोसा टूटता है किरण, तकलीफ भी होती है जब आपको ये पता चले कि आप आज तक गलत फहमी में जी रहे थे। मैं मानता हूँ मैंने सिमरन को बहुत तकलीफ दी। I've done a lot to her. उसका विश्वास तोड़ा है मैंने, लेकिन किरण कुछ भी होता है ना तो जो बना रहता है पूरी तरह टूटता नहीं है। सिमरन की तबीयत का पता चला मुझे, उसे रहा नहीं गया। मैं मुझे लगा कि पहले वाले हक से नहीं, लेकिन मुझे जाना चाहिए मिलने के लिए। मैं मिलने के लिए गया उससे और वैसे ही वापस आ गया उसे देखे बिना। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर, क्यों क्यों गया मैं, क्या जरूरत क्या थी मुझे वहां पर जाने। लेकिन कम से कम एक फायदा तो हुआ, मुझे ये तो पता चल गया कि वो मेरे बारे में क्या सोचती। मेरे बारे में बात करना, सोचना उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने अपने कानों से सुना,
मानस से बात कर रही थी, वो उसने मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया। वो मेरे बारे में सोचती नहीं। ना किरण, मैं पहले बहुत गिल्टी महसूस किया करता था, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। लगा दिया अपने आने में। ये बोला कब सीखेगी? क्या बात करते हैं साहब, अभी तो बहुत टाइम है। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि इधर बच्चा पैदा हुआ और दूसरे सीन में बोलने लगा। इंतजार नहीं होता सपना। जल्दी से बोलने वोलने शुरू करो, फिर हम दोनों बहुत सारी बातें बातें करेंगे, है ना? इसको समझ में आता है हम लोग क्या बोलते हैं? माँ, ये तो ऊपर वाले का कमाल है ना साहब। का है, बच्चा बोलता नहीं है फिर भी माँ बाप को समझ में आता है कि बच्चे के मन में क्या है। वैसे बच्चे को ना सिर्फ छूने से समझ में आता है कौन अपना है कौन पराया है। मतलब अभी देखो, बेबी मेरे साथ दिन रात रहती है तो मेरे को तो पहचान ही गिच, लेकिन अभी देखो आपके गोद में कैसे बैठी है, एकदम शांत मजे में। अभी आप तो उसको मिलते नहीं हो, कभी कभी मिलते हो, लेकिन फिर पर मालूम है काय को, क्योंकि उसको मालूम है ये तो डैडी की गोद है। साहब एक बात बोलने का है, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन आया है। वो का है ना कि आप ऐसे इधर बेबी को मिलते हैं छुप छुप के, भाई को पता चलेगा तो मेरी तो छुट्टी कर देगी। मुझे नौकरी का कुछ नहीं है, लेकिन भाई को पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुखी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सपना, संडे थोड़ी है। संडे नहीं है पर हमारे
हमारी दिवाली की छुट्टियां तो बाकी है। ओ, तो मैं भूल ही गया था। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। पापा आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिए ना। क्यों? कितने दिन हो गए हम दोनों साथ में क्रिकेट ही नहीं खेले। प्लीज पापा एक दिन की। ठीक है, आज सारा दिन मैं और तुम क्रिकेट खेलेंगे। कतरों से नहीं बुझे। चलिए ये प्यास मोहब्बत। आपको डिस्चार्ज मिल गया है? अरे किधर मिला, सुबह के नाश्ते के बाद कुछ खाने को नहीं। अरे डिस्चार्ज डिस्चार्ज मतलब आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ऐसा कौन बोला? डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब आप घर जा सकते हैं। क्या डॉक्टर ने कहा मैं घर जा सकता हूँ? उन्होंने ही साइन किया पेपर्स पर। बड़े साहब ने साइन किया? हाँ। ये क्या हो रहा है साहब? तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको किसने बताया कि मैं घर जा सकता हूँ? किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है शंकर। माना कि ये बच्चों का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स बहुत समझदार हैं। इतने समझदार हैं कि वो तुम जैसे मरीजों की हालत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अरे कोई कुछ नहीं समझता है साहब, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। देखिए दर्द होता है, देखिए इधर कमर में मेरे को दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अभी तो हाँ बोल के मेरे को भेज देंगे, बाद में कुछ लफड़ा हुआ तो जिम्मेदार कौन है इसका? कुछ नहीं होगा शंकर, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर वही बात कर रहे हैं आप। देखो साहब आप समझ लो मेरी बात, मान लो अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो कोर्ट में जाऊंगा, हाँ ये अस्पताल के ऊपर केस ठोक दूंगा, फिर खाली फुकट 20-25 हजार का फटका पड़ेगा आपको, फिर मेरे को मत बोलना। कोर्ट जाने की या केस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें 20 हजार चाहिए? ओके कोर्ट जाने की या केस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे 20 हजार है, चेक फुल एंड फाइनल। लेकिन शंकर अगर तुम समझदारी से काम लो तो तुम इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हो, और वो भी रेगुलर बेसिस पर। तुम अगर कल मुझसे मिल लो, इनफैक्ट कल से तुम काम शुरू कर सकते हो। क्या बात है साहब, बड़ा नेक दिल है आपका। वाह भाई आखिर सुन लिया तुमने, इसका स्टाइल भी अपने को पसंद आता है साहब। कभी कभी छप्पर फाड़ के तो नहीं, गाड़ी से टक्कर मार के दे दिया उसने। थैंक यू। अभी समझ में आया आपने मेरा इलाज फ्री फंड में क्यों किया। लेकिन एक बात मेरे भेजे में नहीं आ रही साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको मैं चाहिए? घबराओ नहीं शंकर, तुम कल आ जाओ सब समझा दूंगा तुम्हें। भाई कोई तो काम होगा जिसे सिर्फ शंकर ही कर सकता है। ये क्या है, दिस इज रिडिक्युलस। आप ये फाइल लेकर मेरे पास आई है इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए? क्या हो गया आप लोगों को, छोटी छोटी परेशानियां लेकर सब मेरे पास आ रहे हैं आजकल, व्हाई? लेकिन डॉक्टर सिमरन। लेकिन व्हाट, मैं ये बहाने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। फॉर हेवन सेक अगर मैंने ही सबकी प्रॉब्लम्स देखनी है तो आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? अकेले चला लेती हूँ ना मैं ये नर्सिंग होम। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। डोंट गिव मी मोर एक्सक्यूजेस प्लीज। ये फाइल पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की है, मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है, तो ये मेरे टेबल पर क्या कर रही है? व्हाट द हेल इज दिस डॉक्टर, इस मैटर को अर्जेंटली सॉल्व। एम आई इन चार्ज ऑफ द पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट? नो डॉक्टर, नो। सो हु इज, आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? गिव दिस फाइल टू डॉक्टर मानस। डॉक्टर मानस आज आए नहीं है। Why? No idea, doctor. What do you mean, no idea? उन्होंने किसी को inform किया कि नहीं? No. नहीं, और आपने भी phone नहीं किया? उन्होंने inform नहीं किया, उनकी leave application नहीं मिली है, तो आप phone कर सकती थी ना? किया doctor कई बार, but no reply. No. It's too much. मैं देख रही हूँ आजकल सब लोग बहुत irresponsible होते जा रहे हैं। Dial किया गया number इस वक्त switched off. What are you standing here for? जाइए and please keep trying, Dr. Manas. Take the file, take it.
मानस का रेजिग्नेशन लेटर?